दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया चैनल में। फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट और अलर्ट न्यूज़। दोस्तों अभी भी आ रही खबर के अनुसार फिर मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए अलर्ट जारी किया है और आज और कल आपको विशेष सावधान रहना है, नहीं तो तूफान और आंधी और बाढ़ आने की पूर्ण संभावना है और साथ ही कहीं पे हल्की बूंदाबांदी और तेज हवा चलने की अनुमान जो है मौसम विभाग द्वारा लगाया जा रहा है। तो ये जानते हैं खबर को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं, आपको ऐसी अपडेट और अलर्ट न्यूज़ मिलते रहे। तो आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। दोस्तों दिल्ली यूपी समेत देश के कई राज्यों में आफत बनकर आ सकता है तूफान, मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया अलर्ट। दोस्तों लगातार मौसम का बदलता मिजाज लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी के बाद अब आंधी तूफान आफत लेकर आया है। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान लगातार अपना कहर बरपा रहा है। इसी बीच आज भी यूपी के कई जिलों में तूफान आने की आशंका जताई जा रही है। राज्य के कई इलाकों में धूल भरी आंधी और बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि पूर्वी इलाके में उमस से निजात फिलहाल नहीं मिलने वाली है। यूपी के इन जिलों में तूफान की आशंका है। दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत जिला हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी में धूल भरी आंधी और तूफान आने की आशंका जताई जा सकती है। संभावना जताई जा रही है कि शनिवार व रविवार को यूपी के कई इलाकों में बारिश भी हो सकती है। इसे प्री मानसून बारिश की शुरुआत माना जा सकता है। आगामी दिनों में मध्य स्तर की बादली छाई रहेगी। साथ ही मध्य प्रदेश में भी प्री मानसून आने की संभावनाएं जताई जा रही है। साथ ही तेज आंधी और हवा की संभावना भी है। तो आप भी ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, कहीं बाहर जाना हो तो मौसम की जानकारी लेकर ही जाएं। साथ ही दिल्ली में आ जा सकता है आंधी तूफान। दोस्तों प्री मानसून के दौर से पहले मौसम विभाग ने दिल्ली NCR के लिए चेतावनी जारी की है। बताया जा रहा है कि राजधानी में आज तेज आंधी आ सकती है। इस दौरान हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण 7 और 8 जून को कई राज्यों में आंधी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। इसी के साथ मानसून से पहले ही दिल्ली में रुक रुक कर बारिश होना शुरू हो गई है। स्काईमेट के अनुसार 10 जून से प्री मानसून गतिविधियां बढ़ेंगी और दिल्ली में मानसून की सामान्य तिथि 29 जून है, लेकिन स्काईमेट के अनुसार अब तक की अच्छी प्रगति और वर्तमान मौसम की स्थिति को देखते हुए मानसून 22 और 23 जून तक दिल्ली में पहुंच सकता है। और साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी जो है मौसम विभाग द्वारा कहा गया है तेज आंधी और प्री मानसून आ सकता है। दोस्तों यह मौसम विभाग द्वारा संभावना जताई गई है। यह मौसम जो है चेंज होते रहते हैं, तो हो सकता है आपके यहाँ प्री मानसून की शुरुआत ना हो, पर मौसम विभाग ने पूर्ण संभावना जताई है कि जल्द ही अब मानसून आपके यहाँ आएगा। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कुछ सुझाव हो तो कमेंट में कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर ले, और जिससे कि आपको इसी अपडेट और अलर्ट न्यूज़ तुरंत मिलते रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे अन्य जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।